हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अर्शी खान बेल एप्लीकेशन लगा दी है। आभा सिंह जी कहती हैं कि रिया को फंसा दिया गया। अर्शी खान आप क्या कहेंगी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आभा जी कौन से जोन में हैं, क्या बात कर रही हैं, किस तरीके से बात कर रही हैं। पूरी पूरी दुनिया ये सब सारी चीजें देख रही है, उसको गुनहगार मान रही है और ये कह रही है कि उनके पिता के ऊपर ही उल्टा आरोप लगाना चाहिए। मैं आपसे सच में दिल से दरख्वास्त करूंगी कि थोड़े सही लोगों को, जो इंटेलिजेंट है, जो सही तरीके की बात करता है, उन लोगों को बिठाया करे सर। मैं तो बड़ी दुखी हो जाती हूँ उन सबकी बातें सुनकर के। आप इमोशनल होकर सोच रही हैं आरशी, लेकिन आभा सिंह जी की अपना रुख है, अपनी लाइन है। पर आभा जी, इस बात से तो मैं भी आपको सवाल करना चाहूंगा कि भाई के सिंह साहब का तो बेटा चला गया 34-35 साल का, आप कह रहे हैं कि उल्टा उनपे मुकदमा कर देना चाहिए। देखिए, मैं एविडेंस पे जा रही हूँ। के सिंह के साथ पूरी सहानुभूति है, सुशांत को पूरी श्रद्धा है, लेकिन आप जो केस कर रहे हैं, आपकी बात से लगा नहीं था आभा जी, आपकी बात से ऐसा लगा नहीं था कि आपको सहानुभूति है के सिंह साहब के साथ? ये बात क्रिमिनल केस की है। आप अगर सुसाइड है या अबेटमेंट टू सुसाइड है, आप उसमें रिया का रोल तो कुछ पता नहीं पाए। रिया 8 को जा चुकी थी, उसके बाद जितना दवाई ट्रीटमेंट था सुशांत की बहन कर रही थी 9 तारीख से, तो रिया पे जब बिहार पुलिस कुछ नहीं पकड़ पाई, सीबीआई अभी तक आभा जी ऐसे तो 12 तारीख को मीतू दीदी भी चली गई थी वहां से, सुशांत सिंह की बहन। ऐसे तो जो घर में 4 लोग थे उनको पकड़ लेना चाहिए, उन्हें चारों अरेस्ट से, सिद्धार्थ पिठानी और जयेश जैसे लोग। ज्यादा तो मीतू की बनती है, वो 12 तारीख तक बताएं क्या हुआ। रिया तो नहीं, वो 4 लड़कों की नहीं बनती है जो घर के अंदर थे, उनको आप छोड़ देंगी? जिन्होंने दरवाजा तोड़ा, जिन्होंने डेड बॉडी की फोटो तक नहीं ली हैंग करते हुए, उनको आप मासूम बता रही हैं? मैं सबूत मांगती हूँ, आप मुझे एविडेंस दीजिए। अच्छा, आप मीतू सिंह को सुशांत की बहन को आप दोषी मानने को तैयार हैं, पर सिद्धार्थ पिटानी जैसे 3 लोगों के लिए आप सबूत मांगेंगी? नहीं जी, आप किस चश्मे से देख रही हैं? आप रिया की बात कर रहे हैं, आपकी पत्नी आपको ड्रग्स खिला सकती है? आप इतने दूध पीते बच्चे हैं कि कोई आपको पकड़ के ड्रग्स खिला देगा? जिस तरह पकड़ के नहीं खिलाई जाती है, खाने पीने के सामान में मिलाई जाती है, ड्रिंक्स में मिलाई जाती है। आभा जी, आप जानती हैं, आप तो लॉयर हैं भाई, ड्रग्स खिलाएंगी और सुशांत आदमी होके खा लेंगे? क्या बात करते हैं आप लोग? पहले शौक लगता है, फिर आदि बनाया जाता है, फिर मजबूर कर दिया जाता है। जिस तरह की दवाइयां दी गई, जिस तरह के ड्रग्स दिए गए, जो कॉम्बिनेशन खिलाए गए, और उनको कोई जो है जबरदस्ती खिलाएगा, आप भी क्या बात कर रहे हैं? आभा जी आपने तो फैसला सुना दिया आज एबीपी न्यूज पर कि जबरदस्ती खिलाया जाता था। अरे के सिंह साहब की, आपने के सिंह साहब का बयान पढ़ा था कि नहीं, जो बाद में FIR हो गया? येलो जर्नलिज्म कर रहे हैं, ये बहुत दिन तक चलेगी नहीं। आप हमको येलो जर्नलिज्म सिखा रही हैं? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि आप येलो जुडिशरी का प्ली ले रही हैं? मैं तो नहीं ऐसा कह रहा हूँ। आप तो उन 4 लड़के जो घर में थे उनको आप मासूम बता रही हैं, मीतू सिंह को आप दोषी बता रही हैं। आप एक व्हाट्सएप चैट पे अरेस्ट कर लेंगे? जब मेरे यहाँ ड्रग्स नहीं मिलती, मेरा ब्लड टेस्ट, मैं कानून की भाषा में बात कर रही हूँ, आप सबूत दीजिए मुझे। आप मुझे भाई कोई कानून की भाषा ही होगी ना जिसके तहत आज NCB ने इनको गिरफ्तार किया, जो 27 से 28 20 29 जो धाराएं लगाई हैं, उन्हीं तो कानून की तो भाषा है वो। आप तो कानून की जानकार है आभा जी। कंजम्पशन की धाराएं लगाई हैं तो 1 साल की सजा है, अगर आपने कंज्यूम किया है वो भी बेलेबल है 1 साल की सजा। और कॉन्स्पिरेसी तो आप लगा तो आप ये कह रही हैं कि इतनी वीक धाराएं लगाई हैं, इसका मतलब रिया चक्रवर्ती इनोसेंट है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने सुशांत के साथ जो कुछ किया वो गलत काम नहीं गिना जाएगा? Drugs is available offense. हाँ, तो बेल मिल जाएगी ना? आप ये कैसे कह सकती है कि बेल मिल गई तो वो सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या का मामला, उससे वो निर्दोष हो गई? ये आप कैसे कह सकती हैं? 15 करोड़ का केस नहीं बना पाई, जब वो 15 करोड़ रिया के अकाउंट में नहीं मिले तो ईडी ने मुंह छुपाने के लिए NCB को दे दिया। ये तो फुटबॉल खेल रही है गवर्नमेंट एजेंसीज, एक नहीं कर पा रही तो दूसरे को दे रही, दूसरी नहीं कर पा रही तीसरे को दे रही। वहां ट्विटर पे कंगना रनौत को तो आप वाई कैटेगरी दे देते हैं, 11 पुलिस वालों की सिक्योरिटी, और यहाँ पे क्योंकि बिहार इलेक्शन है तो आप रिया को बलिदान चढ़ा देते हैं। अरे बंगाल इलेक्शन भी तो आ रहा है, ऐसे क्या रिया चक्रवर्ती है भाई, बंगाल भी तो आ रहा है, वहाँ उसकी चिंता नहीं है उनको? क्या आप गजब बात कर रही है, पॉलिटिक्स क्यों लेके आ रही है इसके अंदर? बिल्कुल पॉलिटिक्स है, इट इज अ क्लियर कट केस ऑफ पॉलिटिक्स। बिहार में जाके FIR होती है, मुंबई में FIR की आप इंतजार? आपकी मुंबई पुलिस ने FIR तक नहीं की।
नहीं तो आपकी क्योंकि मुंबई क्योंकि पुलिस इसमें ने 45 दिनों तक एफआईआर नहीं की। इसमें कोई फाउल प्ले नहीं था, बिसरा ने क्या कहा बात फाउल कर रही है, क्या बात कर रही है आभा जी, आपके घर का, सॉरी सुनिए मेरी बात आभा जी, आप बहुत लर्निड लॉयर हैं आभा जी, आप बहुत लर्निड, आभा जी सुनिए, आभा जी सुनिए, आभा जी सुनिए, आभा जी सुनिए सुनिए, थोड़ा कठिन सवाल है और कड़ा सवाल है, बुरा नहीं मानिएगा। आपके घर का कोई बच्चा, मेरे घर का कोई बच्चा खुदकुशी कर ले घर के अंदर, सुसाइड नोट ना मिले, एक सक्सेसफुल लड़का, आप क्या कहेंगी कि नेचुरल मौत थी है? उसकी जांच पुलिस नहीं करेगी, उसकी एफआईआर पुलिस नहीं करेगी, कोई सुसाइड नोट नहीं था? नहीं, अगर फाउल प्ले नहीं है, एक्सीडेंटल रिपोर्ट लिखी गई थी, अगर फाउल प्ले नहीं होता तो वो केस में सुसाइड लिख के चला जाता। कैसे तभी तो एफआईआर, सुसाइड नोट नहीं है तो कैसे, सुसाइड नोट तो होना चाहिए ना आभा जी, कैसी बात कर रही हैं? सुसाइड को सुसाइड मानने के लिए सुसाइड नोट सबसे बड़ी वजह होती है। एक साल में 1,30,000 सुसाइड हर साल होते हैं, आप फिगर्स देखिए, तो क्या आप कहेंगे कि हर किसी में मर्डर होता है? आप हुआ हर सुसाइड को आप मर्डर तो नहीं कहते ना, हर सुसाइड को मर्डर नहीं कहा जाता, मैं मानता हूँ, हर सुसाइड में एक सुसाइड नोट मिलता है, मैं जानता हूँ, इस सुसाइड में ना सुसाइड नोट मिला, वो लड़का कहा गया 2 घंटे पहले जूस पीता है, वो नाश्ता मांगता है, फल खाता है, और फिर 2 घंटे के बाद लटका मिलता है, और लटका हुआ भी उसको किसी ने नहीं देखा, उसको हैंगिंग भी किसी ने नहीं देखा। आबा जी कैसी बातें कर रही हैं आप? तो फिर अभी तक सीबीआई ने क्यों नहीं कह दिया हाँ ये मर्डर है? सीबीआई ने तो ये तक कहा कि मीडिया चैनल जो हमारा नाम लेके स्टोरी चला रहे हैं, दया करके ना चलाएं। तो दया करके खबर ना चलाएं, पर सीबीआई ने ये भी नहीं कहा ना कि रिया चक्रवर्ती इनोसेंट है, ये भी नहीं कहा ना कि सिद्धार्थ पिठानी इनोसेंट है। लेकिन टीवी चैनल ने तो उसको पहले ही कसूरवार डिक्लेयर कर दिया, अब तो टीवी के एंकर जो है वो जज, ज्यूरी, प्रोसिक्यूटर सब बन गए, मतलब हैरानी की बात है। आप वकील होने के नाते टीवी चैनल पर बैठकर निर्दोष बताते तो आप ठीक है, टीवी एंकर अगर सवाल पूछ ले तो वो जज ज्यूरी हो गया। नहीं नहीं, आप तो कैसी बातें कर रही हैं आप जो है, आप जो है उसको बिना, आपने मुंबई पुलिस को पहले वो किया कि मुंबई पुलिस ने सबूत मिटाए, आज अभी तक सीबीआई ने नहीं कहा कि मुंबई पुलिस ने सबूत मिटाए, क्यों मुंबई पुलिस सबूत मिटाएगी? उसको क्या मिलने वाला था? उसको सुशांत से क्या दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई नहीं थी ना, फिर एफआईआर क्यों नहीं लिखी? फिर एफआईआर क्यों नहीं लिखी? जब सीबीआई जांच की दिशा नेपोटिज्म की तरफ क्यों ले गए? फिर ड्रग्स रैकेट की तरफ क्यों नहीं गए? जो व्हाट्सएप चैट चेक नहीं किए गए? मुझे जरूर बुलाइएगा दोबारा अपने चैनल पे और मैं तब आपसे बात करूंगी। मैं तो हमेशा बुलाऊंगा आबा जी, आप तो हम लोग पिछले कई सालों से बात करते रहे, आगे ही बात करते रहेंगे। और ये सीबीआई रिपोर्ट आएगी, मैं सीबीआई पे विश्वास कर रही हूँ क्योंकि एक वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो शायद अपनी ईमानदारी से सही रिपोर्ट देगा और तब मैं आपसे बात करूंगी। और अभी का बिना व्हाट्सएप चैट पे अरेस्ट करना, इज इट अ जोक? इन्होंने गवर्नमेंट एजेंसीज का मजाक बना दिया है कि अगर आप एक व्हाट्सएप चैट पे अरेस्ट कर रहे हैं विदाउट एनी रिकवरी ऑफ ड्रग्स, विदाउट एनी ब्लड टेस्टिंग पॉजिटिव। आपने ड्रग लिए 15 दिन पहले, आपने लिए साल भर पहले, 2 साल पहले, आप 8 तारीख से सूफी बन गए और 14 तारीख को खुदकुशी हो गई, 8 जून से लेकर अब 8 सितंबर आ गया, 90 दिन हो गए। अगर कोई मजाक में, आजकल कितने लोग होते हैं सोसाइटी में इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोलते हैं, हाँ हाँ हम बहुत फास्ट हैं, हम स्मार्ट हैं, हम ड्रग लेते हैं। अरे तो उस इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने ड्रग वाले सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए? क्यों भाग गई ड्रग वाले सवालों के जवाब पे कि मैं इसमें जवाब नहीं दूंगी? यहाँ कहने को तैयार थी कि सुशांत सिंह राजपूत मेरे सपने में आया और कहा कि इंटरव्यू दो, ये बताने को तैयार है। सुशांत सिंह राजपूत सपने में आएगा तो बताएंगी, लेकिन ड्रग के जो सवाल आए जिसके सबूत है वो बोलेंगी नहीं, क्यों? अब सुशांत का परिवार कहता है हमें मराठी नहीं मालूम थी, सुशांत के वकील कहते हैं हमने बिना पढ़े दस्तखत कर दिया, हम 40 दिन तक सोचते रहे हम बिहार, तो कहां से मराठी आएगी उनको भाई, इसको हम बताएंगे नहीं, क्या बात करते हैं सुशांत की, कहां से मराठी आएगी उस वक्त जब आपका बेटा हैंग कर गया हो, आप अगले दिन एफआईआर कंप्लेन हो रही हो, आप कुछ भी लिख देंगे, हमको क्या पता क्या लिखा गया, ये तो फैमिली कह रही है। आप दिल्ली दवाई प्रिस्क्रिप्शन दे रही है, आप एक परिवार का, एक परिवार का इकलौता बेटा, एक 75 साल के बुजुर्ग का इकलौता बेटा मर गया, खुदकुशी कर ली, मौत हो गई है। नहीं है आपकी बातों से नहीं लग रहा भाजी, आपकी आपकी बातों से सहानुभूति नहीं लग रही है। कानून जो है कहता है यू आर नॉट गिल्टी टिल यू आर प्रोवन गिल्टी, यू आर इनोसेंट टिल यू आर नॉट प्रोवन गिल्टी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फिर आपने कैसे कह दिया
नहीं, क्योंकि अभी तक क्रिमिनलिटी किसी ने उस बात में अभी तो तक कानून को अपना काम करने दीजिए ना। अगर एनसीबी ने धाराएं लगाई हैं, अरेस्ट लिया है किसी भी बिना पर, तो ठीक है, आगे आगे अदालत छोड़ देगी, अदालत छोड़ देगी अगर मासूम होगी रिया चक्रवर्ती। तो इतिहास बना दिया एनसीबी ने, इतिहास बना दिया कि एक व्हाट्सएप चैट पे, 3 साल पुराने व्हाट्सएप चैट पे एक निरीह लड़की को अरेस्ट कर रहे हैं ना, एनसीबी ने इतिहास बना दिया। 3 साल पहले पहली बार ली, उसके बाद हो सकता है कि और ली हो, बार बार ली हो, तमाम सबूत मिले हो, ये भी तो हो सकता है। ये तो आपको कोर्ट की हियरिंग का वेट करना पड़ेगा ना कि क्या बताती है एनसीबी जज के सामने। आज तक आप दाऊद को नहीं अरेस्ट कर पाए, दाऊद के तो दरवाजे पे भी जाने की आपकी हिम्मत नहीं है, और एक आर्मी के रिटायर्ड डॉक्टर की बच्ची जिसका कोई गॉडफादर नहीं है। अब आप इमोशनल एंगल है, अब आप इमोशनल एंगल पे आ गई, आर्मी के रिटायर्ड डॉक्टर की बेटी। अरे भाई, आर्मी के तमाम अधिकारियों को हमारा सैल्यूट है, पर आर्मी के अधिकारियों को सैल्यूट होने का मतलब ये थोड़ी उनके बेटे, उनके बच्चे कुछ भी करेंगे, उनके बच्चों को सर्टिफिकेट थोड़ी मिल जाता है। आबाजी प्लीज, आबाजी प्लीज, आबाजी प्लीज, आबाजी प्लीज, आबाजी आबाजी आबाजी, आप ठंडा पानी पीजिए, अभी आबाजी ठंडा पानी पीजिए, मैं लौटता हूँ। एक जानकारी आ रही है, पानी पीजिए।